एवरीवन, मैं सब डॉक्टर सुनीता गुप्ता, आई एम होम्योपैथिक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और जो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द प्राइवेट पार्ट, कि आपको सेफली कैसे प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है प्लस उसको सेफ रखना है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म में करते हो तो आपके जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, प्लस जो ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है, प्लस जो UTI होता है, ये सब नहीं होगा। और जो फोल स्मेल की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी। और प्लस जो आपको बम्पिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे आप ट्रिमिंग करते हैं तो उसके बाद जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं जेनिटल पार्ट में, वो नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जो प्राइवेट पार्ट की प्रोटेक्शन के बारे में बेसिकली बात करें तो फर्स्ट इस बात करते हैं वॉश के बारे में। जब आप अपनी वजाइनल एरिया को धोते हो, यानी अपने जेनिटल नीचे के पार्ट को धोते हो, तो उसमें आपको वी वॉश वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप वी वॉश का इस्तेमाल अननेसेसरीली कर रहे हैं तो उसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो आपके एरिया को एक तो ब्लैक करता है, प्लस उसको उस टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं हो, ठीक है। तो आपको नॉर्मल पानी यूज़ करना चाहिए, नॉर्मल पानी से ही अपने वजाइनल एरिया को धोना चाहिए, और नॉर्मली नहाते टाइम उसको आप धो सकते हो। प्लस सेकेंड चीज़, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि हमारी जो वजाइना होता है वो सेल्फ क्लिनजिंग का काम भी करती है, ठीक है। तो सेल्फ क्लिनजिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर अननेसेसरी केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। कई बार जब इन्फेक्शन होता है तो वो डिस्चार्ज के फॉर्म में खुद ही निकल आता है, और बहुत सीवियर है तो अलग बात है, लेकिन जो माइन्यूट डिस्चार्जेस होते हैं, माइन्यूट इन्फेक्शन होते हैं, वो खुद ही डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं वजाइना से। तो आपको बहुत ज़्यादा वी वॉश डेटॉल ये सब यूज़ नहीं करना होता, ओनली वाटर, और खाली पानी से धोइए और उसी से ही धोना है आपको। उससे आपकी क्या क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आपका फोर स्मेल नहीं होगा, स्मेल जो आती है उसका प्रॉब्लम क्योर होगा। सेकेंड चीज़ जो है, वहाँ पर वो वाला एरिया और ब्लैक नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। थर्ड जो है, क्या बोलते हैं, पानी से धोएंगे तो नॉर्मली वो साफ़ ही रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ चीज़, जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उस चीज़ को बिल्कुल अपने बचाने लगेगा, फिर मत लगाइएगा, आप ख़राब कर लेंगे उसको, ठीक है। सेकंड चीज़ है कट हेयर के बारे में बताना है। जब आप ट्रिमिंग करते हो तो आप क्या करते हैं, पूरे बाल प्यूबिक हेयर के हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। आपको बालों को छोटा करना होता है, जो बाल होते हैं बेसिकली प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम कर रहे होते हैं, और वह उनका वहाँ रहना ज़रूरी है इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो उनको छोटा कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ सीजर, बट उसको प्रॉपरली हटाना नहीं है, ना उसको कट कर देना है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है, अपनी जो अंडरवेयर है वो आपको ट्वाइस अ डे चेंज करनी होती है, जब मॉर्निंग में अपना नहाते हैं और रात को सोने से पहले। आप चाहें तो रात वाला स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ल्यूकोरिया या किसी ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो आपको अंडरवेयर ज़रूर पहनना है, विच इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, जो कि कॉटन से बनी हुई होगी, ठीक है। अदरवाइज जो इन्फेक्शन है वो इधर उधर लगेगा, तो बेटर है कि आप अंडरवेयर जो है वो कॉटन का पहने, और रात को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आप किसी इन्फेक्शन से नहीं ग्रसित कर रहे, ठीक है। फिर आता है कि अगर इन्फेक्शन है, मेल पार्टनर को इन्फेक्शन है या फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन है, तो अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो इन्फेक्शन एक पार्टनर से दूसरे को जा सकता है। तो इसलिए ऐसे टाइम पे कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दूसरे पार्टनर को इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। तो जब आप क्योर हो जाते हैं तो आप विदाउट कॉन्डम या अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जो आप वॉश करते हो एरिया को, अपने नीचे जो जेनिटल पार्ट्स हैं उसको जब वॉश करते हैं, तो कभी भी उसको नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ वॉश नहीं करना चाहिए, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ वॉश किया जाता है। डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगी, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होती है डायरेक्शन, ठीक है। वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाइए, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर किसी चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता, या आपकी गायनिक ने उसको नहीं सजेस्ट किया हुआ है, किसी डॉक्टर ने नहीं सजेस्ट किया हुआ, तो उसको अपने बचाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लगा लेते हैं और फिर उसके बाद साइड इफेक्ट आते हैं तो उसको क्योर करने में भी प्रॉब्लम होता है, और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि ये वजाइनल एरिया, ब्रेस्ट, ऐसी चीज़ें आपकी वो सेंसिटिव होती हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना होता है। अगर आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज है और आपने आपको पक्के से पता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आप कुछ भी ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे, अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं या अंडरवेयर ऐसी बहुत टाइट पहनते हैं तो नर्व इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। नर्व जो होती है बहुत ज़्यादा दब जाती हैं, और वहाँ पर जो
आर्टरीज और वेंस होती हैं उनमें ढंग से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो उभर जाती हैं जो नर्व्स और आर्टरीज वेंस होती हैं। इससे ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कपड़े हमेशा ऐसे पहनिए जो कि वेंटिलेशन करवाएं, जो कि आपका अंदर बाहर कम से कम एयर का वेंटिलेशन होता रहे, बाहर मतलब एयर अंदर बाहर जा सके, इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए हमेशा, ठीक है। और बहुत टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, अदरवाइज उससे जो है नर्व इम्प्रूवमेंट मैंने आपको बताया कि वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन बातों का आपका ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें, और इन बातों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, फॉल स्मेल नहीं आएगी, और जो आपका वजाइना एरिया है वो काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, एंड आई होप मैंने आपको जितना प्राइवेट पार्ट प्रोटेक्शन के बारे में तो समझा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय, टेक केयर।